पॉलिटिक्स की नशे में इतनी ताकत होती है कि हल्का फुल्का आदमी इसके सेवन से चकरा कर चकाचौंध की गहरी खाई में गिर जाता है और वो खुद को इस दुनिया के आम आदमियों से ऊपर समझने लगता है, श्रेष्ठ समझने लगता है। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो उसके पैर इस ज़मीन पर नहीं टिकते हैं और 5 साल बाद जब वो गहरी खाई से निकल कर खुद को देखता है तो उसकी ज़मीन खिसक चुकी होती है। तो आज हमारे साथ राम सजीवन जी हैं, तो मैं आपका अपने शो द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ जिला पंचायत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो लोगों की विपत्तियों के टुकड़े टुकड़े करके आप उनकी विपत्तियों से उन्हें निजात दिलाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका एक चुनावी पैतरा है ये? नहीं, आपने जो सबसे पहले तो मैं थोड़ा समय लेट हो गया उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 3:30 बजे का समय आपने दिया था और समथिंग 4 बजने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और सभी जो दर्शक जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्हें भी समय 3:30 बजे का दिया गया था कि फेसबुक के माध्यम से लाइव रहेंगे, उनसे भी माफ़ी चाहूँगा। मैं भी आपकी माफ़ी कबूल करता हूं और सभी नेता जो है क्षेत्र के खासतौर पे नेता है, अगर वो अपना ये रवैया बदल ले तो बेहतर रहेगा। अच्छा। और साथ ही साथ मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमारे शो पर मौजूद रहे और हमारे सवालों के लिए आप पूरे तरीके से तैयार। आपने जो सवाल किया है बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, चूँकि राजनीति में आने के कई कारण होते हैं। जैसे आपने कहा है कि किसी विपत्तियों की, तो ये राजनीति में हमारे आने का कारण कहीं ना कहीं आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोगों से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, गरीबों को लेकर व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक हमारा बस चलता है वहाँ तक लोगों को समस्याओं का समाधान करने का हल ढूंढते हैं। अब बगैर राजनीति के लोगों की और कई अन्य समस्याएं होती हैं, जैसे थाने की समस्या हो गई, तहसील की समस्या हो गई। तो आज की जो पोजीशन चल रही है, बगैर राजनीति के आप थाने तहसील की समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई, कोई व्यक्ति का झगड़ा हो गया, अगर वो आपको फ़ोन करता है, जब तक आप राजनीति में एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप राजनीति में एक्टिव नहीं होंगे तब तक आप की थानेदार नहीं सुनेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारा मतलब सिर्फ समाज सेवा करना है और ये लगातार हम पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करते भी आ रहे हैं और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, आप पता करवा लीजिए कि लगातार क्षेत्रों में, चाहे वो गरीबों की मदद का काम करना हो, चाहे जो भी काम हो, लगातार समाज सेवा की है। इसलिए हमने राजनीति में आने का एक निश्चय किया है कि एक राजनीति में आने से और एक प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा जिससे हम और बेहतर तरीके से समाज में लोगों की मदद कर सकें। लोग सवाल यहाँ उठाते हैं कि चुनाव से पहले जैसे आप जाते हैं यहाँ वहाँ, अभी पिछले ही बार देखा मैंने कहीं कहीं क्षति होती है किसी, लोग वहाँ रुपये दे के आते हैं, तो लोग सीधे टारगेट करते हैं, सीधे उंगली उठाते हैं कि ये चुनावी एक पैतरा है। तो वही मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि इससे पहले अगर कुछ बताना चाहें आप, या क्या समाज सेवा की है आपने इससे पहले? हमने बहुत, आप जो लोग कह रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं होगा, शायद वो पेपर ना पढ़ते होंगे, इससे पहले हम कई सालों से लगातार, जैसे कि 2016 में बता रहा हूँ, चुनाव अभी 2020 में, यहाँ राठ में खुशीपुरा कस्बे का निवासी कोई अंडा बेचने वाला है, मैं जानता भी नहीं हूँ उसको, किसी पत्रकार साथी ने पेपर में खबर छापी थी कि थैलेसीमिया पीड़ित बीमारी है, उस टाइम में समाजवादी पार्टी में आई सपोर्ट अखिलेश टीम का मेंबर था, तो मैंने जब वो कटिंग देखी, पेपर देखा, तो मैंने सुबह सूरज साहू जी को, यहीं राठ से हैं आप पता करवा लीजिए, इनको फ़ोन लगाया हमने, ये जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा है इनका, इनको आप हमारे पास भिजवा दीजिए। तो कहने लगे वो बहुत जगह घूम आए, उनकी मदद नहीं हुई, तो आप क्या मदद करवा देंगे? हम की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हमने, मैं कोशिश करूँगा, शायद हो जाए, आप एक बार भिजवाइए। तो उन्होंने
उसको भिजवाया, भिजवाया मैंने, उसके डॉक्यूमेंट्स लिए और एक हफ्ते के अंदर में उसको मैंने 10 लाख की चेक देने का काम किया और उसका हमारे पास प्रूफ भी है, सोशल मीडिया पेपर में भी, अपने अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी लोगों ने छापा भी था, हमारे पास उसकी कटिंग भी रखी है और बाकायदा न्यूज़ पे भी चला था और उस बच्चे का इलाज हुआ। आज वो बच्चा खुशीपुरा में है और स्वस्थ है, उसका उसके माँ बाप बहुत बहुत धन्यवाद देते। और ये मदद माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने की थी हमारे निवेदन से, किसी माध्यम से हमने वो निवेदन उन तक पहुंचाया और उन्होंने उस बच्चे को मदद की, आज वो बच्चा स्वस्थ है, आपके यहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम कल चले गए वहाँ पर उसकी मदद कर आए, उसके बाद भी और भी क्षेत्र में कई काम हैं गरीबों के लिए, गरीब लड़कियों की शादी होती हैं, कई सालों से मदद करते आए हैं, वो आज भी मदद कर रहे हैं और चुनाव के बाद भी मदद करते रहेंगे। ये चुनाव हार या जीत वो एक अलग चीज़ है, इससे हमें कोई वो नहीं है, जो हमारी मदद है वो हमेशा जारी रहेगी, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। जो बर्फ रूपी वोटर हैं, आपके नोटों की गड्डी की गर्मी से क्या वो पिघल पाएंगे और क्या उस पानी से, क्या उस पानी के बहाव से आप जीत की रेखा पार कर पाएंगे, वो पानी आपको वहाँ तक भाग ले जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नोटों की गड्डी का हम उन्हें लालच दे रहे हैं या हम उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ ही नहीं होता। बात करते हैं राम सजीवन जी के राजनीतिक अनुभव की और बात करते हैं, आप इतने प्रसिद्धि आपने पाई है, दौलत शोहरत क्षेत्र भर में नाम कमाया है और युवा काफ़ी सारे आपसे इंस्पायर हैं, तो सबसे पहले अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में, उसके बाद जो युवा आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अगर उन्हें आप जैसा बनना है, आप जैसा दौलत शोहरत कमाने, तो वो क्या करें? दौलत शोहरत कमाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कहा गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक साधारण गरीब परिवार से ही हूं, किसान परिवार से हूं, मेरा पैतृक गांव झांसी ज़िले से आता है और शुरू से हमारी शिक्षा हमारे पैतृक गांव में ही हुई, झांसी ज़िले में गरौठा तहसील में पड़ता है हमारा, यहाँ हमीरपुर ज़िले में ममाना है नहंदौरा, जहाँ 5 के बाद हम यहाँ आए और यहाँ से हमने 8 तक शिक्षा रहाक में प्राप्त की। उसके बाद में हम फिर गरौठा गए, गरौठा 9-10 की शिक्षा गरौठा से ग्रहण की, कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ ऐसी थीं कि आगे हम पढ़ ना सके, क्योंकि परिस्थितियाँ 1997-98 की बात है, घर में पैसे का अभाव समझ लीजिए, कई कारण ऐसे थे जो हमारे दिमाग में आया कि हम कब तक ऐसा, हमारे माँ बाप कब तक कर्जा ले लेके हमें पढ़ाते रहेंगे, और हम गांव का कर्जा भी था, एक बोझ था सर पे, तो मन में आया कि कहीं ऐसा करें कि कहीं निकल जाएं। तो 1999 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने हाई स्कूल के पेपर दिए और मैं बगैर बताए घर के बाहर निकल गया, मैं बाहर निकल गया तो मैं महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री में मैंने काम किया, उस टाइम पे वहाँ 55 रुपये सैलरी मिलती थी, 26 दिन काम रहता था, 350 रुपये खाने का भी कटता था, 1200 रुपये बचता था महीने में। उस टाइम क्या होता था कि मोबाइल नहीं चलते थे, चिट्ठियाँ घर पे लिखते थे, घर वाले भी परेशान रहते थे कि क्यों बगैर बताए भाग गया, क्या कमी थी। अब हमारे मन में एक हलचल पैदा थी कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो कुछ हमारी ज़मीन बिक चुकी है और आगे ये कर्ज में हमारी और भी ज़मीन बिक जाएगी, आगे हमारा भविष्य, हमारे भाइयों का भविष्य, हमारे बच्चों, जब शादी होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो शिक्षा से वंचित रह जाता है या डिग्री पाने से भी वंचित रह जाता है। फिर वहाँ से हमने आगे बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद आज इस स्थिति में हूँ, आपके सामने हूँ, ऊपर वाले की कृपा से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब कुछ है। जो मैन पावर सप्लाई का हमारा काम हमने वहाँ लिया,
तो इस पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने रोजगार दिया। हमने वहाँ, हमारा जो बॉस है उसने कहा आप लोकल की लेबर रखिए। हमने, नहीं सर मैं लोकल की लेबर नहीं रखूँगा, मैं अपने यहाँ से, हमारे यहाँ बहुत बेरोजगार भाई हैं, हमारे बहुत बेरोजगार साथी हैं जिनको रोजगार का अभाव है, हम अपने इधर से ही लेबर लाएंगे, हम आपका काम करके देंगे, आपको मैन पावर की कमी नहीं होगी। तो इस क्षेत्र से तमाम गाँव के लोग हैं, टिकरिया है, धमना है, पड़रा है, रेवटा है, अतरा है, मजगुआ है, टोला खंगारन है, 25-25, 50-50 लोग अपने यहाँ काम करते हैं और उनको रोजगार देने का काम किया। और आज इस स्थिति में है जो ऊपर वाले की कृपा, बुजुर्गों का आशीर्वाद के इस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, राम सजीवन जी ने जब अपनी जिंदगी में पीछे झाँक के देखा तो उन्हें एक दुख है कि मैं शिक्षा नहीं ले पाया। तो अगर राम सजीवन जी का जनता राजतिलक करती है तो शिक्षा में क्या व्यापक बदलाव हम आपके द्वारा, राम सजीवन जी के द्वारा देखेंगे? देखिए, शिक्षा तो हाई स्कूल तक हमने की है, उसके बाद में जैसे कि आदमी जब परिस्थितियों से निकलता है ना, जैसे एक किसान का लड़का हो, जैसे वो अगर राजनीति में किसान का लड़का खड़ा हो जाएगा, जो जमीनी आदमी होगा जिसने गरीबी देखी होगी, अगर वो जनता के बीच में जाएगा तो वो गरीबी, गरीबों का दर्द समझेगा। अगर कोई भले ही हवा हवाई होगा, बड़े आदमी का बेटा आएगा, इंजीनियर होगा या मैकेनिक होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसको गरीबी का तो पता नहीं है ना। आज हमारे क्षेत्र में क्या है? गरीबी। हमें इस बात का दुख है, इस वजह से राजनीति में आने का एक मेन कारण यही आप समझ लीजिए कि इस बात का दुख है कि जो आगे की शिक्षा हमने प्राप्त नहीं कर पाई, मैं वो चीज़ जाके लोगों के बीच में रखें और लोगों को ये बताएं कि भले ही आप भूखे रहिए, आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए और शिक्षा दीजिए और उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। बिल्कुल, फिर से जो पहला सवाल जुड़ा था मैंने कि राजनीतिक अनुभव क्या है आपके, या राजनीति में कब से सक्रिय रहे आप? देखिए, राजनीति में लगभग 2010 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। पहले मैं जो आपको बताया टीम आई सपोर्ट अखिलेश के माध्यम से लोगों के बीच में रहा और कई जगह लोगों की मदद की, कई लोगों को जोड़ा भी है, उनकी नीतियों से भी प्रभावित हुआ कहीं ना कहीं। ऐसे युवा मुख्यमंत्री ने जो इस प्रदेश को इतना विकास करने का काम किया, जैसे 17 लाख युवाओं को लैपटॉप बांटने का काम किया, 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, आगरा एक्सप्रेस वे एक ऐसी सड़क निकाल दी जिस पर फाइटर प्लेन उतर जाए। तो राम सजीवन जी अखिलेश जी का अनुसरण करते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हैं। बिल्कुल, तो फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूँ मैं, हालांकि कि अगर आप जीतते हैं तो क्या 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 काम होंगे? देखिए, अगर मैं जीतूंगा, मैं रोहटा जिला पंचायत से उम्मीदवार हूँ, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जनता की जो उम्मीद है उस पर पूरी तरह से खरा उतरूँगा। और जो भी पिछड़ा क्षेत्र है, जैसे मजगुआ है, आउट क्षेत्र में पड़ जाता है, वहाँ पर मैं गया, कई लोगों की समस्याएं हैं, या वहाँ से एक रोड आगे के लिए गई है उसकी समस्या है, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, जो कि पानी की समस्या है, कहीं पर नल नहीं है, तो मैं जो लोगों ने हमें बताया है उनकी समस्याओं को समाधान करने का काम करूँगा। और जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो उनकी जो जनता की उम्मीद है उस पर 100% खरा उतरूंगा और कभी किसी गरीब आदमी को दुखी नहीं होने दूंगा। हर संभव प्रयास करूंगा कि उसको किसी ना किसी, कहीं ना कहीं माध्यम से मदद हो, चाहे वो मुझे व्यक्तिगत क्यों ना करनी पड़े। लोग, जो ऑडियंस देख रही है, जनता देख रही है जी, वो कहती है राम सजीवन जी एक रुतबेदार व्यक्ति है या आप जीतेंगे। मान लीजिए, एक होता है एक व्यक्ति की एक लगाव होता है, उसे अपनत्व लगता है कि इस व्यक्ति से बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन राम सजीवन जी को देख के, उनका जो रुतबा है उसको देख के लोग आपसे दूरी बनाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके जीतने के बाद जनता सहज होगी, आपके पास बैठेगी? देखिए, ये सवाल आपने जो पूछा है, जो हमसे मिला नहीं है
वही समझेगा कि राम सजीवन यादव रुतबेदार व्यक्ति है। अगर जो एक बार हमसे रूबरू हो जाएगा, मैं आपसे ही इसका काउंटर सवाल करता हूँ, आपसे एक बार हमारी मुलाकात हुई थी, क्या आपको ऐसा लगा कि मैं रुतबेदार व्यक्ति हूँ? बिल्कुल, मैं भी यहाँ आप ही की सवाल का जवाब देते हुए कहता हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी किताब को हम उसके कवर से जज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, व्यक्ति को जब हम दूर से देखते हैं तो कुछ और नज़र आता है, पास जाके देखते हैं कुछ और नज़र आता है। अब सवाल ये उठता है, जनता का ये सवाल था कि राम सजीवन जी तो बाहरी हैं और झांसी जिला के हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जैसे उन्होंने कहा है कि राम सजीवन जी बाहरी हैं झांसी जिला के, ये उनका अपना अपना मानना है। उसमें मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मैं झांसी जिला का, प्रत्येक गांव मेरा झांसी जिला है, शिक्षा मेरी यहाँ रहाक में हुई है, नांदोड़ा मेरा ममाना है और मैं यहीं से कम 20-25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बाहरी हो गए है, हमारे मामा तो जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो वोटर आपको देख रहे हैं, मैं बिल्कुल 100% मैं सभी से कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे नाना हैं, हमारे मामा हैं, हमारे नानी लोग हैं, मामी लोग हैं, सब लोग हैं, राख में हमारा मकान बना है और कई सालों से, आप कप्तान सिंह को ले लीजिए, उदाहरण दे देता हूँ आपको, वहाँ से जाके कप्तान राजपूत जी चरखारी विधानसभा से उन्हें टिकट मिला, वो चरखारी विधानसभा की जनता ने उन्हें चुना, तो क्या वो बाहरी हो गए कप्तान राजपूत जी? तो एक मिनट, ये जो सवाल शायद हो सकता है जनता का ना हो और किसी वैसे व्यक्ति का हो जिसने गुमराह करने के लिए ये सवाल आपसे पूछा हो, कि ये पूछ लीजिए, मैं यही आपसे कहता हूँ कि अदरवाइज इसका उदाहरण मैं दे चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता की मदद करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो सबके सुख दुख में काम आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, आप हमारा काम देख लीजिए, आप क्षेत्र में चले जाइए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आज मैं किसी गरीब की मदद कर दूँ तो आप वोट दे दीजिए। आप पता कर लीजिए, अगर पिछले कई सालों से अगर हमने गरीबों की मदद की हो तो आप वोट दे दीजिए, अन्यथा हमें वोट मत दीजिए। जवाबों में खुलापन है आपके, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि अखिलेश जी की वो खूबियाँ जिनका आप अनुसरण करते हैं आज अपनी ज़िंदगी में, जो आपने ढाला हो, साथ ही साथ मैं दर्शकों से कहूँगा जो फेसबुक लाइव से जुड़े हैं कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हम तक भेज सकते हैं और इन पर दाग सकते हैं, इनसे अपनी बातों का जवाब मांग सकते हैं। तो हाँ, अखिलेश जी के जो आप मैं बात कर रहा था कि अखिलेश जी की जो वो खूबियाँ जिनका आप अनुसरण करते हैं, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उनका एक ही एजेंडा था, समता और समानता। उन्होंने जो इस प्रदेश में करके दिखाया है वो आज तक पिछले कई वर्षों में जहाँ तक हमें अनुभव है, जब से मैं जानता हूँ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने इतना विकास किया हो, और एक ऐसा युवा मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का युवा उनसे आज भी प्रभावित है, उनकी नीतियों से। जैसे उनकी नीति वो लाए डायल 100 वाली, आप देखिए डायल 100 जो कि अमेरिका से उन्हें अवार्ड मिला, कई योजनाएं उन्होंने ऐसी चलाईं जिससे बहुत पूरे देश और प्रदेश के युवा प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी से उन्होंने जुड़ने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ काम करने का काम किया और पार्टी के साथ कदम से कदम चलकर मिलाने का काम किया। लोग कहेंगे आप अखिलेश यादव जी के बारे में बता रहे हैं, आप अपने या उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा या क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए, क्या देखेंगे? देखिए, यही मैं बता रहा हूँ कि उनके बारे में जो मैंने सीखा है, जैसे मैंने उनको देखा जब एक राठ का मामला आया था और जब मैंने किसी के माध्यम से उन तक पहुंचकर एक रिक्वेस्ट की कि एक थैलोसीमिया पीड़ित एक बच्चा है और इस गरीब की मदद के लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो इतने दरिया दिली कि उनने तुरंत वहां से एक हफ्ते के अंदर 10 लाख की चेक हमारे यहां भिजवा दी कि उस बच्चे को दे दी जाए।
तो उन्हीं से यही अनुसरण मिला हमें कि हमें भी समाज में और क्षेत्र में और लोगों के बीच में ऐसे ही काम करना चाहिए और गरीबों के हित में काम करना चाहिए। अगर कोई गरीब पीड़ित है, अगर किसी गरीब को हमारी मदद की ज़रूरत है और ऊपर वाले ने हमें इस लायक बना दिया है कि हम उस गरीब की मदद कर सकते हैं, तो 100% हमारा वादा है कि हम मदद करते भी हैं और सारी ज़िंदगी करते भी रहेंगे। वो यही हमें उनसे प्रेरणा मिली और यही उनसे सीख मिली कि हमेशा गरीब की मदद करो, उनको आगे बढ़ाओ और उनको प्रेरणा दो कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें और आगे लेकर आए। अब मैं आपसे पूछूं कि सिलसिलेवार ढंग से आप अपने मुद्दे बताएं कि किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे मेन मुद्दा दवा पढ़ाई मुक्ति हो, जो हमारे पार्टी का मुद्दा है। हमारी समाजवादी पार्टी का जो माननीय हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का नारा था कि सिंचाई मुफ्त होना चाहिए, पढ़ाई मुफ्त होना चाहिए, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें दवाई मुफ्त होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वही क्षेत्र में वही एजेंडा रहेगा, वही मुद्दा रहेगा। अगर चुनाव जीतते हैं और आगे जाते हैं और कहीं ना कहीं उस स्थिति में रहते हैं तो बेरोजगारी पे, दवाई पे, सिंचाई पे, किसान पर अहम चर्चा रहेगी और पूरे जिले का किसान खुशहाल रहेगा, हर किसान की समस्या का समाधान निकलेगा। आज के समय पर आप शिक्षा के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं शिक्षा के बारे में टिप्पणी करना चाहूँगा, जो वर्तमान सरकार है इन्होंने शिक्षा को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है। जैसे आप देख रहे, इन्होंने कोरोना के नाम पर आज समथिंग करीब 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा था, लगभग 25 मार्च से आज जनवरी चल रही है, पूरा 11 महीना हो चुके हैं, पूरी साल ही होने जा रही है। तब से स्कूल बंद हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने बता दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। हमें आप बताइए, आप भी गांव देहात में गए होंगे, मैं भी क्षेत्र में जाता हूं, और मुझसे तो क्षेत्र के वो व्यक्ति जुड़े हैं, बहुत मजदूर वर्ग के व्यक्ति जुड़े हैं जिनको मैंने रोजगार देने का काम किया है इसी क्षेत्र के, उनके घरों में मैं जाता हूँ, जिनके घरों में जो शाम सुबह जाते हैं मजदूरी करने के लिए और आते हैं उन्हीं पैसों से राशन लेकर शाम को खाना बनाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन हैं? क्या उनके पास 10,000 के फ़ोन हैं? क्या उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे? तो ये जो सरकार है उसका तो मकसद सिर्फ एक ही है कि शिक्षा पर चोट पहुंचाना। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप सरकार से सवाल करेंगे, वो सवाल करना इन्हें पसंद नहीं है, आप सवाल मत करिए। इसलिए इनका मेन पॉइंट है कि जब आपको शिक्षा से ही बेदखल कर दिया जाएगा तो आप वहीं के वहीं रेंगते रहेंगे और इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, आपके वोटर ऑडियंस जो आपको देख रही है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? वोटरों से आपकी क्या अपील रहेगी? मैं वोटरों से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं राम सजीवन यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, जो जिला पंचायत क्षेत्र रिहटा से उम्मीदवार हूँ, मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि सभी हमारे समस्त क्षेत्रवासी हमें आशीर्वाद देंगे और हमारे जो भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए भाइयों को आशीर्वाद मिलेगा, माताओं को आशीर्वाद मिलेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर से बड़ी मात्रा में सहयोग मिलेगा पूरे क्षेत्र का। ये आशा नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो हमारे साथ राम सजीवन जी थे, उनसे वार्ता हो रही थी, सभी सवालों का उन्हें बखूबी उन्होंने जवाब दिया है। हमें चाहता हूँ कि अगर फेसबुक पे कुछ कमेंट्स आए हों, कोई सवाल हों,
उनके लिए तो हम उनका भी जिक्र करते हैं, वो सवाल भी आपसे पूछते हैं। तो हाँ, प्रेम कुमार अनुरागी जी हैं चंडोल से, इनका सवाल है। हाँ, इनका कहना है कि जितने भी जिला पंचायत प्रत्याशी आते हैं उन्हें जनता के बीच में शपथ दिलाई जाए कि जो भी जीतेगा जनता के हित में काम करेगा। तो यहाँ शपथ हम कहेंगे प्रेम कुमार जी, अभी ऑन कैमरा है, वीडियो अब अपने तक संभाल के रखिएगा, चैनल पर कभी भी आके आप देखिएगा। इन्होंने जो कहा है कि शिक्षा पर काम करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ अगर कबूलता है, ये आपके पास सबूत है ताकि अगर कोई कैंडिडेट जीत के आपके पास दोबारा आता है या अगले चुनाव में आता है तो उसको आप करारा जवाब दे सके, तब जब उसने अपने किए हुए वादे पर वो अमल ना कर पाया हो या जो उसने कहा हो वो ना किया हो। तो चलिए, राजू जी हैं, प्रधान हैं गोहरारी के, उन्होंने शानदार कहा है आपके लिए, सभी के लिए, कि इंटरव्यू बढ़िया रहा। तो चलिए अब हम समाप्त करते हैं इंटरव्यू। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।